ये टोला का खेला होवे, शराब का खेला होवे, सैंड माफिया का खेला होवे, होवे तो सब कुछ होवे। अब क्या होवे? जम्मू वालों के साथ खेला होवे, डोगरा का क्या होवे? जम्मू के डोगरों के साथ खेला होवे। कोहिबो तार परे खेला बंद होइबो, नहीं तो खेला होइबो, खेला बंद कराना। स्मृति ईरानी भी है, उसी फ्लाइंग किस लभी जाता, बट उसी जम्मू की प्रॉब्लम ने साढ़े भरा की गल नहीं लभा दी है। क्यों इन्हें पनी क्या सद, इन्हें भगवान सदबुद्धि दे दियो। नहीं मोदी बेचारा बाबा के करे, साढ़े मोदी बजुर्ग बाबा है, साढ़े बाबे की उम्र दे ना, बाबा के करे, बाबे के चेले गए उगे दिन बेचारे अच्छे बंदे ने मोदी जी। असं बड़ी उम्मीद रखी, हले भी उम्मीद रखने मोदी जी को, यह भी उम्मीद है, उम्मीद है। लेकिन जेडे उन्दे कन्ने बोले अली बाबा चाली चोर वाली कहानी आई जाती, फिर आई जाती। पर साढ़े जेडे मोदी जी अच्छे बंदे, अस उनकी तारीफ करने। कलांसम जेड़ा नहीं आता इस इहदे विच, साथ नहीं देना। डोगरा नहीं आया वह विकलांग, बिल्कुल विकलांग है। और सब तो ज्यादा अन्ने बहरे और जो साढ़े नलायक चुनिया भेजे, वह सब तो ज्यादा विकलांग ने। ये तो इं सोचते भी पोटली इं पाई जी, मैं एम एल ए है, मैं कि एम एल ए है, क्यों मेरे घर वाले जताए दे, बाकी पब्लिक ने थोड़ी जताए दा, ठीक है नहीं। मैं अभी सांबा में हूँ, जहाँ पर पिछले 9 दिनों की बात करूँ तो प्रॉपर जो है यहाँ पर हंगर स्ट्राइक पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। आपको बता दूं कि ये सारे जो हैं वो एक ही मुहिम के पीछे हैं कि सरोड टोल प्लाजा को जो है यहाँ पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर रोड ही नहीं है तो हम टोल किस बात का दे रहे हैं। सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी होगा कि ये कोई भी चेन हंगर स्ट्राइक पर नहीं है, ये फुल हंगर स्ट्राइक पर है, जिसमें से कुछ जिस तरह से लक्की संभ्याल की बात करें वो भी हॉस्पिटलाइज हुए थे और इनके 4 साथी भी। लेकिन अभी मेरे साथ ये हैं, ये एक सर्विस मैन ही वापस आए हैं, इनसे बात से कहना है थोड़ा। मेरा नाम मोहन सिंह है। उन तो पूरे ठीक हो? नहीं पूरे कहाँ ठीक ना भाई, अपने साथियों छड़िए मैं नहीं जा सकता। साथियों छड़िए नहीं जा सकते? हाँ जी, क्योंकि अपनी पहले तबीयत बारे सुनाओ, किया नहीं तबीयत। मेरी तबीयत यह है कि डोगरा कम्युनिटी इकट्ठी होए तो मेरी तबीयत अपने आप ठीक हो जानी। कोहा ने तो से बुलाया तो संघर्ष स्ट्राइक उपर हो, इधर तो कोई एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा, कोई डीसी, कोई तहसीलदार, कोहा ने आख्या तो सही गल अगे पहुंचाने, तो रोटी पानी खाई लो आंदे ने बिच। हाँ मगर आश्वासन ने गल नहीं चलनी सानू, नो रोड नो टोल। मैं तो बोला इलीगल टोल यही कहनी चाहिए, सानू रोड अपने आप बनी जाए। क्यों जेड़े आदमी आए दा चेक करने वाला जो नेशनल हाईवे वाला, हाँ 3 दिन तक उन्होंने दिन रात साफ किया, तो देखे उन्हें साफ सफाई हुई, पहले क्यों नहीं हुई? उदे बिच भी साढ़े बीजेपी के जोड़े लोग है, उदे बिच एम एल ए कोई इं कई हूँ, साढ़ा मनियाल गया गेदा उन्हें लाली पाप लाने ताई। क्यों? क्योंकि वो अन्ने न, उन्हें दिखाई नहीं दिता। ये असें 25 ना विकास पुत्र भेजे है, बोले सबका साथ सबका विकास है, विकास पुत्र भेजे है 25, तो एक विकास पुत्र साढ़ा सांसद है जुगल किशोर, और उन्हें आना चाहिए हा, ऐ चुनिया भेजा हा अपनी आवाज़ रखने ताई, उन्हें आवाज़ कोई सुनता नहीं है। लेकिन साढ़े बिच आते आवाज़ देंगे भी दसो के प्रॉब्लम है किया नहीं है, बस ये बोले रोड बनी है तो टोल बनी है। पहले दसो पठानकोट जरा मलिकपुर चौक से गुरदासपुर से लेकर लखनपुर तक अपरो ज़्यादा ज़्यादा 30 किलोमीटर 35 मिनट लाओ, पहले तो लखनपुर वाला ये नहीं है। दूसरा इन्हें चढ़वाल एक बनाया टोल प्लाजा, वह बनता हा, अगर वह बनता तो 60 किलोमीटर ये सरोड टोल प्लाजा लगता नहीं हाँ। लेकिन अज साढ़े गवर्नर महोदय प्रशासन बाहरों सदे के प्रशासन उन्हें इस टोल प्लाजा की इन्नी चिंता है कि मैं तो पहली बार देखा, मैं ऑल इंडिया फिरिया, ये तो नैशनल हाईवे है, तुसें चली जाना तमिलनाडु जरा रमेशन धाम है उधरों शुरू हो जाए, एशियन हाईवे न शायद कुछ पता भी नहीं होना, बिच साढ़े बेचारे कई नहीं गए होने ना, ए एच है उत्थे, ए एन एच ओ ए एच है, वो सुविधा दिखनी बड़ी अच्छी सुविधा है, ना कोई फालतू बकवास करता, उन्हें दसो मैं विकलांग है, वो आखते जाओ उन्हें असं शो करना है। ये तो मारकुटा जाई जाए और राजस्थान दे आइए, साढ़े बच्चे ही नौकरी नहीं इतना कुछ। सुनाओ तुस आपे आख्या इतने नैशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के आने को पहले इतने साफ सफाई हुई, इतने जो रोड भरया गया, तो तुम क्यों नहीं रोकया उन्हें कि इतने नहीं भरो जी वो दिखन दो? लोगों ने विरोध किया, नहीं कैमरा मारो उपर वो देखो ये मेरे सिर च पिया, इत एडा रोड़ा बनिया अज एडा बड़े जाने के उधर पौने वाला पत्थर है, ये तो कम न। क्यों जब कहते हैं ना कुत्ता जो होता है ना कुत्ता, चोरों के साथ मिल जाता है भोंकता नहीं है ना, तो ऐसा ही काम होगा।
तो हमारे सांसद हैं जुगल किशोर शर्मा कहने नाराज हो नहीं आए तुसे। देखो अस जेड़े जिन्ने भी आना सुनते नाराज आने दिन रात मेहनत की है और अस सोचते हे जम्मू वाले कन्ने न्याय होग दिल्ली में कोई भी सरकार रही 70 साल तक दिल्ली वाले साढ़े जम्मू कन्ने कद न्याय किया ही नहीं है चाहे भारतीय जनता पार्टी आए अस सोचा सू सा हक मिलग मगर ये तो सू लगे तो कुछ चुकी है जिया जिया मन चुकना गद्दा तो उधर रही उन्होंने चुकी असी जम्मू की चुकी है कि कश्मीर छड़ी हूँ क्यों डल झील च महाराज साढ़े गवर्नर साहब फिर बिशप सुंदरी आई दी ओद साड़ी साड़ा नहीं है मानसर सानू नहीं कोई जरूरत है साड़े नहीं है सुंदरी कहने घूमने लिए उनके कोल टाइम है कश्मीर तो साड़ी आवाज सुनने ताई नहीं है ना आवाज साड़ी कौन सुननी है अस सोचते हैं जम्मू सारे बोलते हैं भी जम्मू का मुख्यमंत्री होना चाहिए हिंदू मुख्यमंत्री होना चाहिए लेकिन सानू गवर्नर गै देता ना भाजपा का गवर्नर है जो आर्या हुआ गवर्नर है गाजीपुर का जिन्होंने इन्हें पुछो दिल्ली क्या स्मार्ट मीटर लगे दे क्या इन्हें पुछो गाजीपुर स्मार्ट मीटर लगे दे जब तुम केंद्र च कहीं नहीं लगा दे सारे उपर कैसी थोपा दे लेकिन ऐसा सोचा भी जम्मू का होना चाहिए मुख्यमंत्री साढ़ा जम्मू का हिंदू मुख्यमंत्री होना चाहिए बट गवर्नर हिंदू है जोड़ा साढ़े नाल न्याय कर रहा डोगरे ने करा दा तो मुख्यमंत्री आ तो साढ़ा की हाल होगा सानू तो लखनपुर भी पार करना पैया कश्मीर चो जा मैं एक छोटी गल पूछना चाहगी सलाथिया साहब आए मिलन क्योंकि उन्हें तो आख्या हा कि टोल गलत है आए कभी तुसे कोल बैठे 5 मिनट देखो सलाथिया साहब तो उन्हें पार्टी ज्वाइन की है इतने पुतले फूके जाते बंबोले जय चंदन अपने शाम लाल के फूके जाते महबूबा मुफ्ती फूकी जाती इतने एन एन बोरे इतने अन्ना बोरा बोलते हैं अगर वह जय चंद मैं नहीं बोलता उन्हें जय चंद बड़े अच्छे आदमी है अस कोई काम कराने जाते तो हों भारतीय जनता पार्टी अस जाने काम इन्हें तो पहले कोई पुछता नहीं है साढ़े काम में नहीं होए अज जय चंद की परिभाषा बीजेपी ने सिखाई हिंदू मुस्लिम की भाषा सानू इन्हें बीजेपी वाले सिखाई अज यही जय चंद बाहर नहीं निकलते जय चंद हैं कुत्ते ने विकास पुत्र कुधर नठी है ये चौकीदार कुधर न सानू यह दसन आई है बैठन साढ़े चुने का सांसद एक बार सानू पुछता कहदे ताईं चुनिया है अग लानी नहीं इन्ना गुस्सा है गुस्सा मारे कल जिहदी भैण इत्थे आई दी राखी बनाने और भरा उहदा जीएमसी बैठे दा होए और मनोज सिन्हा और जाइए अपनी भैन को काशी से जाइए टिक्का लवा दे हुण रखड़ी बना दे हुण क्या शर्म की गल है इसते बढ़िया और क्या मैं एक विकलांग आदमी हाँ मिगी जरूरत नहीं है इन्हें चीज़ों की मैं नहीं भी आता बट मैं अपने डोगरा समाज ताई हर तबके ताई हर जाति ताई हर धर्म ताई इत्थे बैठे दे अस क्यों इकट्ठा होना बड़ा जरूरी है नहीं होगे तो मेरे लगा था कि सानू लखनपुर जी कश्मीर के बेचारे आए इतने 5 महल बने प्लाट भी दे दिन सुने अनुराग ठाकुर बोलता है ठीक है भाई तेरा डैडी जरा उ चीफ मिनिस्टर तो कश्मीरी नठे तो उन्हें देना 5 मरले प्लाट उन्हें कैसे नहीं दिता जोड़ा यूपी बिहार का कुछ दे जुड़ना क्या उनके पिछले जमीन नहीं है साढ़े तो बेड़ा गर्क करी जुड़े ना जम्मू का बीजेपी वाले असं इन्हें नमस्कार करी उन्हें पिंड दान के करी जुड़ना हूँ पापा जी मी बड़ा दुख लगा कि तुम बीमार होने के बावजूद भी इतने आए हो तो अखा लब्भा दियां कि तुम ठीक नहीं हो मैं बीमार नहीं हाँ मेरे गोलियां लगे ने मैं हैंडीकैप विकलांग आदमी हाँ मैं उस डोगरे के विकलांग समझ जड़ा नहीं आता इस इदे विच साथ नहीं देना डोगरा नहीं आया वो विकलांग बिल्कुल विकलांग है और सब तो ज्यादा अन्ने बहरे और जो साढ़े नलायक चुनिया भेजे और सब तो ज्यादा विकलांग ने एक छोटी जी गल मी सुनाई उड़ो ये जड़े बीजेपी के लीडर है ये दिल्ली गए दे मिलन किन्ना चेर हुई है तुसे के लगता दिल्ली बड़ी दूर है जड़े वापस नहीं आए जवाब लेइए देखो दिल्ली के आए तो उत्थे जड़ी संसद भवन च 500 रुपए की थाली मिलती ना खाने की वह 50-60 रुपए मिलती उतो फ्री खाई होना इन्हें सैलरी है टोल फ्री है ये सॉरी टैक्स फ्री है टोल इन्हें फ्री है फिर खड़ोई जाते टोला पर 9 साल बेमिसाल तुहाड़ी चवानी नहीं लगी तो 9 साल बेमिसाल कह दे मोदी जी है ना मोदी बेचारा बाबा केह करे साढ़े मोदी बजुर्ग बाबा साढ़े बाबे की उम्र दे बाबा केह करे बाबे के चेले गए उगे दिन बेचारे अच्छे बंदे ने मोदी जी असं बड़ी उम्मीद रखी हले भी उम्मीद रखने मोदी जी कोला भी उम्मीद है उम्मीद है लेकिन जेडे उन्दे कन्ने बोले अली बाबा 40 चोर वाली कहानी आ जाती फिर आई जाती पर साढ़े जेडे मोदी जी अच्छे बंदे अस उनकी तारीफ करने ऐसा नहीं है लेकिन उन्दी नाले तक गल गै नहीं पुजदी इं मणिपुर ले लो तुस 77 दिन बाद गल पहुंची और मैं थोड़ा मीडिया से शुरू करना चाहना कि तुम साड़ी आवाज़ सुन दो जिन 77 दिन के बाद मोदी जी बोले तो सारे चैनल जड़े नैशनल चैनल वह बोले वह कुधर मरी गए लोग बोलते गोदी मीडिया हूँ महसूस होता गोदी मीडिया है अज तक भी अस महसूस नहीं किया बीजेपी अस कल सदा बीजेपी की वोट देचै ठीक है नी पर जल्द ये काम करगा नहीं आंगन साढ़े कन्नै नहीं बैंगन साड़ी आवाज़ नहीं सुनगन
तो फिर साढ़े ताई की है इन्होंने छीना रखे था ठीक है नहीं बस एक निकी गल तो सुनाई उड़ो ये सारे लोग है तुहे कने बैठे दे है ये सारे लोग तो समर्थन दे आगे की आखना चाहगे जेडी भैन दे भरा उत्थे पे दे अस्पताल देखो मैं हॉस्पिटल जम्मू गया कल पूरा दिन उत्थे रहे परसों दा एडमिट हाँ एक कल आया कल राती मैं भी डिस्चार्ज मैं हॉस्पिटल नहीं रुकी सकिया एक बंदा हले भी है पर हाँ साड़ी भैन सिमृति राणी भी है उसी फ्लाइंग किस लभी आता बट उसी जम्मू की प्रॉब्लम ने साढ़े भरा की गल नहीं लभा दी है क्यों इन्हें पता नहीं क्या सद इन्हें भगवान सदबुद्धि दे दियो नहीं तुस लड़ो अपनी विपक्ष ने लड़ो पक्ष ने लड़ो जिन्हें मर्जी लड़ो मैं कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है पर थे बीजेपी थे और अज भी हो सकता उनके ये न मगर नहीं शर्म की गल सानू आती है लोग पुछते यार क्या करा दे तुस अस उनका जवाब नहीं दे सकने साढ़े उपर के है जी ममता बनर्जी ने बोलती ना खेला हो टोला का खेला हो शराब का खेला हो सैंड माफिया का खेला हो तो सब कुछ हो अब क्या हो जम्मू वालों के साथ खेला हो डोगरा का क्या हो जम्मू व डोगरों के साथ खेला हो धक्कम पेला हो मैं धक्का मुक्की हो रही हमारे साथ हमें तो ये बगाने के चक्कर में है तो ऐसे ही खेला होगा तो मैं शाह जी उन्होंने अच्छा बोला है ममता बनर्जी ने भी शी इज़ द हार्ट ऑफ बंगाल उनको वो बोलते हैं लोग तो मैं उनको मानता हूँ मैं बंगाल में नौकरी की है अभी मैंने को काबा का पाया था तो अपने वो राठौर जो है उनका भी आया था बोला आपने कहाँ से सीखा मैंने कहाँ से सीखना आपसे सीखा जो हमारे किशन जी हैं सांसद क्या नाम उनका किशन जी का ना जो कि सांसद है हमारे बीजेपी के गोरखपुर से तो वहाँ उनसे सीखा हमने तो हमें भी कुछ भाषा परिभाषा आती है हमने नौकरी की है ऐसा नहीं है।